हमें तो ये रिपोर्ट देख के ही विश्वास नहीं हो रहा कि हम सही भी हो गए। चलने में दमदार सूट पर अब वो ऑपरेशन के बाद भी थी और ओपन सर्जरी हमें कराने की हिम्मत नहीं थी, हम बहुत डरते थे। हम इसी में एंडोस्कोपी की तरफ गए थे। मैं बैठने में हिप जो होती है नीचे की एकदम सुन पड़ रही थी और टॉयलेट में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। हम आपसे हाथ जोड़ के दिल से कह रहे हैं आप इधर उधर एंडोस्कोपी के लिए कहीं ना भागिए, सिर्फ गायत्री हॉस्पिटल आइए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं प्रमोद वर्मा जी सर, कानपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं। सर का जो केस है बहुत कॉम्प्लेक्स है। इनका सर का पहले भी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हो चुका था लेकिन सर को रिलीफ नहीं मिला था और उसके कारण से सर जो पहले स्थिति थी वैसी की वैसी स्थिति बनी हुई थी। सर हमसे वीडियो कंसल्टेशन किया सर ने, तो हमने बताया कि आपका इनएडिक्वेट डीकम्प्रेशन हुआ है। इनएडिक्वेट डीकम्प्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम जो टारगेट्स होते हैं डीकम्प्रेशन के, जहाँ तक हमको नसों को फ्री करना है, वो अगर सर्जन फ्री नहीं कर पा रहे हैं या नसें पहले से जितना टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाए तो उस कंडीशन को इनएडिक्वेट डीकम्प्रेशन कहते हैं। अब इनएडिक्वेट डीकम्प्रेशन कई बार कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है ऑपरेशन के दौरान, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिसके कारण हो सकता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम सर का क्यों हुआ था इनएडिक्वेट डीकम्प्रेशन, लेकिन हमारे पास एक चैलेंज था कि इस केस जो फेल हो चुका है एक बार उसको हमको सुधारना है। ऐसे केसेस में अंदर नसें कई बार चिपक चुकी होती है हड्डियों से और उसके लिए कुछ नया अप्रोच लेना पड़ता है हमको लेने के लिए। तो सर का जो सर्जरी था वो पीछे से, कमर के पीछे से हुआ था इंटरलैमिनर अप्रोच से, और मैं MRI लगा के अभी दिखाता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम थी और हमने उसको कैसे डील किया। ये हम MRI देखेंगे, ये ऑपरेशन के बाद का MRI है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ वाला जो लेवल है, यहाँ पे जो डिस्क बल्ज है वो बल्ज पहले की तरह वैसी का वैसी है और पीछे से जो ब्लैक दिख रहा है ये लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रोफी कहते हैं, वो भी ठीक से एड्रेस नहीं हो पाया है। ये दो कारणों की वजह से सर को कमर में, पैर में और कूल्हों में दर्द होने लग गया था, चलने फिरने में तकलीफ हो रही थी। इसी का हम अगर एक्चुअल इमेजेस देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जगह है जहाँ का ऑपरेशन हुआ था, ये ऑपरेशन वाली जगह है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो पुराना सर्जरी हुआ है वो राइट साइड की तरफ से जाके हुआ है, उसमें इस साइड का लिगामेंटम फ्लेवम तो निकाला जा चुका है लेकिन इस साइड का ब्लैक वाला पार्ट है वो नहीं निकाला गया है, प्लस डिस्क को बिल्कुल नहीं निकाला गया, जिसके कारण से इनएडिक्वेट डीकम्प्रेशन हुआ। ये एक टेक्निक होती है जिसमें डिस्क को नहीं निकालते हैं और पीछे से बस डीकम्प्रेस करते हैं, लेकिन सर के लिए वो वाली सर्जरी कामयाब नहीं रही जो इनडायरेक्ट डीकम्प्रेशन का पुराने सर्जन ने अचीव करने की कोशिश किया था। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि डिस्क पूरी की पूरी बल्ज में रखी है और इसके कारण ये इसको पूरी अपने स्पाइनल कॉर्ड को पीछे ढकेल रही है और यहाँ भी काला बना हुआ है। तो हमारे पास बहुत सारा टारगेट था कि ये सबको हमको निकालना है और एक ये भी चुनौती थी कि यहाँ से जब जाएंगे तो ये सब चिपका होगा आपस में और हम जब इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो ये नस फट सकती है और नस और डैमेज हो सकती है। तो ये सब चीज़ों को, चैलेंजेस को ठीक करने के लिए हमने एक अप्रोच लिया जिसको 360 डिग्री डीकम्प्रेशन कहते हैं। 360 डिग्री डीकम्प्रेशन में हम एक साइड से ट्रांसफेमिनल अप्रोच से जाते हैं और डिस्क का काम पूरा कर लेते हैं। तो डिस्क को हम एक इस दूरबीन इस दिशा में जाएगी और डिस्क को यहाँ से इस तरह से पूरा निकाल देती है जिससे कि सामने का काम स्पाइनल कॉर्ड फ्री हो जाता है। ऐसा होने के बाद हम इंटरलैमिनर अप्रोच से पीछे से जाते हैं और यहाँ से जा करके ये साइड और ये साइड ऐसा दो दिशा में काम करते हैं जिससे कि ये 360 डिग्री कॉर्ड जो है वो पूरी चारों दिशा से फ्री हो जाए। ये बहुत ही रेयरली यूज़ करने वाली अप्रोच होती है, कुछ ही मरीजों में काम आती है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ यही काम आती है। आप कोई और सर्जरी नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर मैं सिर्फ पीछे से जाके इसका ऑपरेशन करूँगा तो ये वाला जो हिस्सा है इसको निकाल नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ से जा करके इसके पीछे नहीं जा सकता। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है मैं इसके पीछे नहीं जा सकता हूँ, अगर पीछे जाने की कोशिश करूँगा तो ये डैमेज हो जाएगा। तो बिना डैमेज किए अगर हमको ये डिस्क को भी निकालना है और ये स्टीनोसिस को भी ठीक करना है तो इसके लिए एक यूनिक अप्रोच होती है जिसको 360 डिग्री अप्रोच कहते हैं। बहुत ही रेयर की जाती है पर जहाँ की जाती है वहाँ बहुत इफेक्टिव होती है। अब मैं सर का ऑपरेशन के बाद का MRI दिखा रहा हूँ जिसमें हमने क्या क्या किया है। हम पहले के MRI से कंपेयर करेंगे तो ये भी ऑपरेशन के बाद का MRI है। MRI में हम देख सकते हैं कि ये पहले जहाँ दबाव था L4-L5 लेवल पे, ये दबाव पूरा काला हो चुका था यहाँ पे। अभी आप देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी नीचे आ रही है, कोई भी यहाँ दबाव नहीं बचा है। ये जो दिख रहा है मार्जिन,
ये निकाली हुई डिस्क का मार्जिन है, एकदम फ्लैट हो चुका है जो पीछे पहले ऐसा बल्ज हो रहा था यहाँ पे, तो ये पूरी फ्लैटनेस हमने कर दी है। साथ ही पीछे का जो ब्लैक पार्ट रहता था यहाँ का लिगामेंटम फ्लोएम का, वो उसको पूरी तरह निकाल दिया है। तो ये होता है 360 डिग्री डिकम्प्रेशन। इसका एक और डिटेल इमेज मैं दिखाऊंगा अगला। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये ऑपरेशन हमने जो किया है, आप देख सकते हैं यहाँ से हम अंदर गए हैं, यहाँ जाने के बाद स्पाइनल कॉर्ड को पूरा यहाँ से सामने से पहले फ्री किया, तो हम लेफ्ट से अंदर गए, लेफ्ट से जाके पूरा राइट तक फ्री किया। आप देख सकते हैं जो वाइट दिख रहा है वो ऑपरेशन हुई जगह है। तो ये गोला जो है, पहले तो पूरा चपटा हो गया था, कुछ था ही नहीं, ये पूरा ब्लैक था, वो व्हाइट सर्कल बन गया। आप देख सकते हैं गोल ट्यूब जैसी दिख रही है जी सर। ट्यूब पहले सामने से दबी थी, वो फ्री हो गई, यहाँ से काला हिस्सा था वो फ्री हो गया, यहाँ से काला हिस्सा था वो फ्री हो गया। तो पूरा 360 डिग्री एक गोले में हमने काम किया है इस स्पाइनल कॉर्ड को सब तरह से फ्री करने के लिए, और इसमें कहीं पे भी स्पाइनल कॉर्ड को हिलाया नहीं, खींचा नहीं, ताकि आपकी नसों में कोई डैमेज ना हो सके। और इसी कारण पोस्ट ऑप रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है कि हमको स्पाइनल कॉर्ड एकदम फ्री दिख रही है, सामने से काम दिख रहा है। देखिए आप इतना देख सकते हैं, हमने सामने से भी काम किया लेकिन 90% डिस्क को इंटैक्ट रखा है, है ना, हम पूरी डिस्क को नहीं निकालते हैं। इतना सारा डिस्क जो है आपका वजन आगे जीवन भर लेगा वो अच्छा है, केवल हमने इतना ही डिस्क निकाला जितना बीमार था, है ना, इतना बड़ा सर्जरी करने के बावजूद भी डिस्क का पूरा पार्ट नहीं निकाला गया है। और पीछे भी आप देख सकते हैं कि हमने फेसेट जॉइंट को पूरी तरह बचा लिया। यहाँ का फेसेट जॉइंट जो है, जॉइंट ये दो हड्डियों से बनता है, इस जॉइंट को हमने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, केवल जॉइंट को बीच से शेव किया है और जॉइंट वैसी का वैसी इंटैक्ट बना हुआ है। और हम पीछे से यहाँ से गए, स्पाइनस प्रोसेस को भी डिस्टर्ब नहीं किया, तो स्पाइनस प्रोसेस बचा हुआ है, दोनों फेसेट जॉइंट बचे हैं, केवल हम एक तरफ से लैमिनोटॉमी किए, लैमिना में छोटा सा छेद करके अंदर गए हैं और इसका कॉर्ड का पूरा डिकम्प्रेशन किया। तो ये ऑपरेशन के बाद का एमआरआई है। तो प्रमोद जी, अब आप बताइए कि क्या हुआ था, कैसा था शुरुआत में और अब कैसा है? सर हमें तो ये रिपोर्ट देख के ही विश्वास नहीं हो रहा कि हम सही भी हो गए, हमें यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि हम पहले जब ऑपरेशन कराए थे तो इतना हम डरे हुए थे और उनके इतने हाथ पैर जोड़े थे हमने, फिर उसके बाद मैंने उनसे ऑपरेशन कराने के बाद भी मेरी वही पैरों में कंडीशन थी जो पहला ऑपरेशन कराया। अपनी दीदी लोगों से भी हमने कहा कि हमें मेरे जो दिक्कत है वो एकदम बराबर हमको दिख रही, चलने में झंझनाहट सुनपन, अब वो ऑपरेशन के बाद भी थी। फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मेरी एमआरआई करा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद आपका जब टाका कटेगा तब वही। मैं 15 दिन के बाद गया वहाँ एमआरआई कराई, तो एमआरआई में जो दिक्कत थी वही दिक्कत सेम उस समय भी थी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा फिर से ओपन सर्जरी कराना पड़ेगा, और ओपन सर्जरी हमें कराने की हिम्मत नहीं थी, हम बहुत डरते थे, हम इसी में एंडोस्कोपी की तरफ गए थे। मैं शुरू में उन्होंने विश्वास दिया था कि आप दौड़ोगे, मगर ऑपरेशन के बाद मेरी कंडीशन और हमें लगा कि और ख़राब हो रही। मैं बैठने में हिप जो होती है नीचे की एकदम सुन पड़ रही थी, और टॉयलेट में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर हमने सर से, मेरा हिम्मत वहाँ टूट गई, उन्होंने कहा फ्री में हम कर देंगे, पैसा नहीं लगेगा, मगर मेरा दिल नहीं गवाही दे रहा था। मेरा शरीर एक बार होता है, पैसा तुम फिर बाद में भी कमा सकते हैं। फिर मैंने सर का वीडियो देखा, वीडियो में हमें बहुत विश्वास हुआ कि जो 3-3 लेवल की डिस्क हटा सकते हैं सर, तो मेरी 2 लेवल की क्यों नहीं हटा सकते। मैंने सर का वीडियो देखा, फिर वीडियो कॉलिंग पे सर से बात करी मैंने कानपुर से, सर ने हमको मेरा इस सब एमआरआई देखा, उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा सब हो जाएगा, सही हो जाएगा, आप आओ मेरे पास। फिर मेरा टिकट तो फरवरी का था, मगर मेरी दिक्कत इतनी थी कि हम तड़प रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम चलने के लिए तरस रहे थे, कहीं बैठ नहीं पा रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम में हमें दिक्कत हो रही। तो फिर मेरी 11 तारीख की टिकट थी, हम 10 तारीख को करा लिए टिकट, फिर आपके पास आए, जैसे ही आए वैसे आपका टाइमिंग ऊपर वाले की दया से अच्छी थी, सर ने कहा कि हम आज ही कर देंगे 7 बजे। और हमें जब हमने सर से पहले ये बात कर ली थी जो मेरी दिक्कत है हम बाद में एमआरआई कराएंगे तो वो दिक्कत मेरी ख़त्म होगी कि नहीं होगी, सर ने इसकी गारंटी दी कि जो दिक्कत है तुम वो एमआरआई के बाद आपको एकदम क्लियर मिलेगी। और वो हम साथ साथ देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के दिल से कह रहे हैं आप इधर उधर इंडोस्कोपी के लिए कहीं ना भागिए, सिर्फ गायत्री हॉस्पिटल आइए। अंकित सर के हम दिल से बता रहे हैं, हम रोते थे कसम भगवान की,
इनके जैसा एंडोस्कोपी मेरे हिसाब से कोई नहीं कर सकता। ये मेरे लिए भगवान है। सही बता रहे सर, दिल से बता रहे जी। हमें दिक्कत भी होती है कभी भी, तो हम शरीर के पास आएंगे। इंडोस्कोपी आपको कराना है तो गायत्री हॉस्पिटल आना है। यही मेरी प्रार्थना है आप लोगों से दिल से। और यहाँ की सर्विस आप सोच नहीं सकते। फिजियोथेरेपी हर 10 मिनट में, नर्स, हर चीज की सुविधा। जितना सोचा, जितना हमने सोचा उससे कई गुना ज्यादा। और दूसरी चीज, जो गरीब लोग है, बजट सबसे बड़ी चीज। जहाँ 1.5-2 लाख रुपए लगा दिया है, वहाँ आप सोच नहीं सकते कि कितने में मेरा काम होगा। अब हम बयान नहीं कर सकते। आपसे यही है मेरी कि आपको ये दिक्कत हो तो गायत्री हॉस्पिटल आइए। अंकित सर से जरूर आप मिलिए। जिस तरीके से इनने किया कोई कर नहीं सकता मेरे हिसाब से। मतलब आदर करना चाहते हैं और सर ने मेरे हस्बैंड को दूसरी जिंदगी दी, एक नई जिंदगी दी फिर से। भगवान आपके कृपा हमेशा बनाए रहे। बहुत रोता था सर, कह नहीं सकते। रातों की नींद इसकी चली गई थी। कहता था अब हम कभी नहीं चल पाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे सर। मम्मी मेरी बहुत रोती थी, कोई नहीं था इसका आगे पीछे, अकेले था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सर बहुत अच्छे हैं, हम बार बार इनके चरण देख रहे हैं। सोने के बाद सर रखने को उनको मिल जाए तो बहुत खुश है। आप आओगे तो जैसे लगेगा कि आप घर में आए हो, हॉस्पिटल नहीं आए हो। सही बात है, आपके स्टाफ के लोग भी बहुत और इतनी अच्छी सर्विस है। ये 10 मिनट नहीं होता है, कोई वीवो देखने आता है, कोई लोशन देखने आता है। हमें तो इतना सोच नहीं सकते कि ये किसी हॉस्पिटल में घर में सर। बहुत एकदम बहुत, आपको कहने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपकी हर दिक्कत का हल है यहाँ पे। हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, जितना मेरे दिल में है। तो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं मगर हम बयान नहीं कर सकते इससे ज्यादा। बस थैंक यू सो मच सर।